हेलो एवरीवन, मैं हूं सना और आज की नेचर कन्वर्सेशंस में हम बात करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही छोटी सी सनबर्ड्स के बारे में। ज़्यादातर लोग सनबर्ड्स को हमिंग बर्ड्स समझते हैं, लेकिन इंडिया में हमिंग बर्ड्स होते ही नहीं हैं, यहाँ पे सनबर्ड्स पाए जाते हैं। इन बर्ड्स में मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है अपीयरेंस की बात करें तो। मेल सनबर्ड जहाँ डार्क पर्पल और ब्लू शेड में होता है, वहीं फीमेल सनबर्ड जो है वो ऑलिव ग्रीन और ग्रे शेड में पाई जाती है। ये सनबर्ड साइज में काफ़ी छोटी होती हैं। सनबर्ड्स का साइज 10 सेंटीमीटर तक होता है, वहीं वेट इनका सिर्फ 4-5 ग्राम होता है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो स्नेक प्लांट के एक लीफ पे या दूसरे एक प्लांट के लीफ पे आराम से बैठी हुई है। इन सनबर्ड्स की एक खास बात ये भी होती है कि ये खुद को हवा में इस तरह से रोक करके उड़ सकती हैं और इसी तरह से फूलों का रस भी पी सकती हैं। इन शॉर्ट, ये होवर कर सकती हैं। इनका मेन जो खाना होता है वो फ्लावर नेक्टार्स होते हैं। फ्लावर नेक्टार सक करने के लिए इनके पास स्पेशली थिन एंड लॉन्ग टंग होती है, जिससे ये ईजीली नेक्टार सक कर सकते हैं। इनका यूनिक टंग आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप सनबर्ड के साइज़ का अंदाज़ा इस वीडियो से को भी देख करके लगा सकते हैं, जहाँ पे नॉर्मल सी जो बुलबुल है वो सनबर्ड के साइज़ की डबल दिख रही है। ये सनबर्ड्स मेनली तो फ्लावर के नेक्टार्स पे ही अपना लाइफ स्पेंड करती हैं, लेकिन ये कभी कभी इंसेक्ट वगैरह के साथ भी दिख जाती हैं, वो ख़ास तौर पर तब जब वो अपने बच्चे को फीड करा रही होती हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि 3 फीमेल सनबर्ड्स अलग अलग लीव्स पे आराम से बैठी हुई हैं। जैसे हम सब खुद को मेंटेन रखने के लिए ढेर सारी ग्रूमिंग्स करते हैं, उसी तरह से ये बर्ड्स जो हैं वो प्रीनिंग प्रोसेस करती हैं। प्रीनिंग में ये अपने फेदर्स को क्लीन कर रही होती हैं। इससे इनके फेदर्स सिर्फ क्लीन नहीं होते बल्कि और स्ट्रांग होते हैं और ये खुद को मेंटेन रखती हैं। तो ये अपना काफ़ी टाइम जो है ये प्रीनिंग में देती हैं। ये सनबर्ड सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं पॉलिनेशन के ज़रिए। तो आप भी इन क्यूट लिटिल बर्ड्स को अपने गार्डन में इनवाइट करें। बर्ड्स को इनवाइट करने के डिफरेंट क्राफ्ट्स जैसे बर्ड स्टैंड, बर्ड फीडर, इनके ट्यूटोरियल्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिनको आप चेक कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं और अपने घर में लगा के वैरायटी ऑफ बर्ड्स को अपने घर में और गार्डन में इनवाइट कर सकते हैं और नेचर एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ही और भी नेचर कन्वर्सेशंस के लिए लिटिल कन्वर्सेशंस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Until next nature conversations, take care and bye-bye.